हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऐसे महामारी के टाइम पर अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। बार बार हाथों को साबुन से अच्छे से धो रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 के वसंत बुक के पार्ट 6 भगवान के डाकिए के सार को समझेंगे। इसमें भगवान के डाकिए इस कविता का नाम किस लिए रखा है? क्योंकि इसमें लेखक ने पक्षी और बादल के बारे में बोला है, जिनको उन्होंने क्या बताया है? भगवान के डाकिए। और उन्होंने इनको भगवान के डाकिए क्यों बताया है, यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। क्या कहा है लेखक ने कि जो पक्षी हैं और बादल हैं, ये दोनों क्या हैं? भगवान के डाकिए। तो इनको भगवान के डाकिए क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि जैसे जो हमारे यहाँ डाकिए होते हैं, वो हमारे लिए कोई ना कोई संदेश लेकर आते हैं, किसी की चिट्ठी, किसी का पत्र, है ना, तो हमें उससे दूसरों के बारे में खबरें मिलती हैं। इसी तरीके से जो ये पक्षी और बादल हैं, ये भी दूसरे देशों से जाकर हमारे लिए संदेश लाते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं होता। आपने देखा होगा, पक्षी जहाँ चाहे जब वहाँ उड़ के जा सकता है, बादल जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। उनके लिए कोई हमारा देश नहीं, कोई दूसरा देश नहीं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, है ना? तो इसलिए उनको भगवान के डाकिए कहा है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना मतलब पढ़ना, यानी कि जो संदेश वो लेकर आते हैं, कौन? भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल। तो उनको हम लोग नहीं समझ पाते। कौन समझ पाते हैं उनको? जो पेड़ होते हैं, पौधे, पानी और पहाड़, ये लोग उनकी भाषा को, उनके संदेशों को समझ पाते हैं, है ना? लेकिन हम लोग उनके संदेशों को नहीं समझ पाते। हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना मतलब अनुमान लगाना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की जो धरती है, वो दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। आपने देखा होगा, कभी मिट्टी पर जब पानी पड़ता है, तो एक भीनी भीनी सी, बड़ी सुंदर सी, बड़ी अच्छी सी, मन को भाने वाली जो खुशबू है, वो उस मिट्टी से निकलती है। अब वो सुगंध जो निकलती है, उसके लिए भी कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, है ना? उसके लिए भी कोई मेरा देश तेरा देश नहीं होता। वो यहाँ भी आ सकती है, हमारे पास भी, और दूसरे देश में भी जा सकती है, है ना? तो इसका भाव यह है कि धरती के लिए जो समस्त विश्व के वासी हैं, वो सब एक समान हैं, और वह बिना किसी भेदभाव के हर दिशा में सुगंध भेजती है, है ना? उसके लिए कोई देश अपना पराया नहीं। और यही जो सुगंध होती है, वास्तव में प्रेम, एकता, भाईचारे, और यही सद्भावना और समानता का प्रतीक होती है, है ना? और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ मतलब सुगंध, उस खुशबू को ही, ये उसका सुगंध का ही पर्यायवाची शब्द है। तो वो, और पांखों का अर्थ है इसमें पक्षियों के जो पंख होते हैं, वो, है ना, उनके ही सहारे वो खुशबू, जो कौन सी खुशबू, जो मिट्टी की खुशबू होती है, एक देश की खुशबू होती है, वो दूसरे देशों तक पहुँच जाती है। और तो जो सुगंध होती है, वो पक्षियों के पंखों के सहारे, हवा के सहारे, एक देश से दूसरे देश पर पहुंच जाती है। और एक देश का पानी, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आपने देखा होगा, पानी, भाप पानी बनके एक देश से दूसरे देश में कैसे गिरता है? बादलों के द्वारा, है ना? जब बादल घटा बनकर पानी लेकर के आते हैं, तो वो हमारे देश से दूसरे देश में भी जाते हैं, या दूसरे देश से हमारे देश में भी आते हैं, और वही पानी
जो बादल के द्वारा हमारी धरती पर बरसता है। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे ही देश का पानी हो सकता है वो दूसरे देश से आया हो, है ना। तो उन लोगों के लिए कोई बंधन और कोई अपना और पराया नहीं होता। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि जैसे प्रकृति के ये सारे नियम, प्रकृति की ये सारी चीज़ें, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता कि कौन सा हमारा देश है, कौन सा दूसरा देश है, कहाँ हमें बरसना है, कहाँ हमें बैठना है, है ना। उनमें सब के लिए प्रेम होता है। तो उसी तरीके से हमें भी प्रेम, एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो कैसी लगी बच्चों आज की ये कविता? धन्यवाद।